बनी हूँ, ठीक है, और तुम जाओ भाड़ में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं तेरे से ज्यादा पैसा कमा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर में, जहाँ मेरे साथ एक लड़की मौजूद है जिसकी उम्र है 20 साल और इसका नाम है रहमा। इसको एक केबल वाले ने मोहब्बत में जो है वो धोखा दिया, और पहले मोहब्बत की, इसके घर आता था केबल लगाने के लिए, मोहब्बत हुई इनकी आपस में, 2-3 बार वो आया, नंबर शेयर हुआ, फिर अब उसने शादी का दावा किया, फिर इसने इसे धोखा दिया, अब इसने अपनी केबल स्टार्ट कर रहे उससे ज़्यादा कमाने लग गई है, केबल से ही ज़िद में आ गए, और 3 से 4 लाख कैसे अपने पूरे इलाके में ये केबल लगाती है सारा जानते हैं कि कैसे मोहब्बत में धोखा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मेरा नाम रहमा है। आपकी उम्र कितनी है? 20 साल। 20 साल। मुझे ये बताएं कि आपको मोहब्बत में कैसे किससे मोहब्बत हुई, कैसे धोखा हुआ, क्या सारी कहानी? मुझे केबल वाले से मोहब्बत हुई थी और तकरीबन 4 माह बाद मुझे धोखा हो गया। 4 माह बाद? जी 4 माह। तो कैसे वो केबल वाले से मोहब्बत हुई आपको? वो हमने अपने घर में केबल लगवाई थी तकरीबन 4-5 माह पहले, जब हमारा रिलेशन हुआ, तो हमारे घर में सिर्फ न्यूज़ के ही चैनल आया करते थे और लड़कियां आपको पता है ड्रामास की शौकीन होती हैं। मैंने उसे कॉल की कि हमारे घर ना न्यूज़ के चैनल आते हैं तो ड्रामा वगैरह का कोई चैनल नहीं है। उसने हमारे घर आके जो सेटिंग वगैरह की ताकि ड्रामा वगैरह के चैनल आएँ, तो उसने फर्स्ट टाइम जब मुझे देखा उसे तब भी मैं पसंद आ गई थी, लेकिन मैं तब उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। फिर बाद में नेक्स्ट टाइम उसने फिर अपनी हमारी ना केबल ख़राब कर दी, आने के बहाने उसने केबल ख़राब कर दी। जी आने के बहाने से ना उसने अपनी हमारे घर की ना जो केबल ख़राब कर दी। उसे कॉल की कि हमारे घर केबल नहीं आ रही तो आके ठीक कर दो, वो आया, उसने ठीक वगैरह की, फिर दूसरी मुलाकात हमारी हुई, तीसरी मुलाकात पे जाके उसने मुझे प्रपोज़ किया और तब मैं भी उसमें इंटरेस्टेड होना स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, आपको भी मोहब्बत का आगाज़ हो गया था? जी हो गया था। अच्छा, फिर? फिर क्या हुआ जी, उसने हमारे घर की केबल ख़राब कर देता था मिलने के बहाने से। अच्छा, आपके घर की केबल ख़राब कर देता था मिलने के बहाने? जी। बड़ा फनकार था वो केबल, देख लें बस। अच्छा। आता था जब भी हमारी, हफ्ते में 2-3 दफ़ा तो केबल ख़राब कर ही देता था मिलने के बहाने से। अच्छा, फिर हमारे नंबर वगैरह एक्सचेंज हो गए हुए थे, हमारी बात वगैरह स्टार्ट हो गई हुई थी, फिर तकरीबन जब उसके हमारे इलाके में उसकी इतनी केबल नहीं थी जब हमारा रिलेशन स्टार्ट हुआ था, जब हम रिलेशन में आए उसके बाद उसकी जो है पूरे इलाका में जो है केबल वगैरह आ गई, चलना स्टार्ट हो गई, उसके पास पैसा आ गया, उसमें गुरूर आ गया। अच्छा, पैसा आया जब केबल ज़्यादा चल गई, पहले कुछ घरों में थी फिर पूरे इलाके में हो गई। जी, जब पैसा आया उसमें गुरूर आ गया, और जब गुरूर आ गया उसमें उसने मुझे छोड़ दिया। अच्छा, उसने छोड़ दिया। जी। तो उसने शादी के दावे किए थे आपसे? शादी के दावे तो किए थे, इसीलिए तो मैं उसके साथ रिलेशन में आई थी, ठीक है। तकरीबन 4-5 माह इसने मैं शादी का ही लारा लगाया रखा है कि जी मैं शादी करूँगा, लेकिन जब उसके पास पैसा आया शादी के दावे भी कैंसिल। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर मतलब जो है उसने कैंसिल कर दिया, तो आपने अपनी केबल स्टार्ट की फिर? जी, मैंने फिर इसी गुस्से में आके अपनी केबल स्टार्ट की। और अब आपकी केबल का नाम क्या है? अपेक्स। अपेक्स, तो ये पूरे इलाके में चलती? पूरे इलाके में अब हमारी केबल चलती है, उसकी नहीं चलती। अच्छा, अब पूरे इलाके में से हमारी केबल है, उसकी केबल नहीं है, और इस केबल से मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 लाख महीने का कमा रही हूँ। अपनी केबल से, अपने ऑफिस से? अपने ऑफिस से मैं, और मैं चाहती हूँ कि जिस इलाके में इसकी केबल है ना, उस इलाके में मेरी केबल है, इसमें इसे मैं लो डाउन करूँ। तो आप मतलब उसका गुरूर आपने तोड़ा है मैंने। तो अब क्या कहता है, दोबारा नहीं कहता कि मैं दोबारा कहता है मैं आऊँगा रिलेशन में? मैंने कहा मुझे नहीं अब चाहिए, अब मेरे पास भी पैसा है। अच्छा, तो आप मुझे बताओ मोहब्बत में धोखा जो होता है वो कैसा होता है, इंसान को कितना तोड़ता है? बहुत तोड़ता है। अब मुझे आप ये देख लें कि मैं जो लड़की घर से बाहर नहीं थी निकलती, मैंने उसकी मोहब्बत में आके केबल जो है ना लगाना शुरू कर दी, केबल। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना पैसा कमा रही हूँ, और ये मैं उसके लिए मैसेज देना चाह रही हूँ कि देखो तुम्हारी वजह से मैं इस काबिल बनी हूँ, ठीक है, और तुम जाओ भाड़ में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब मैं तेरे से ज़्यादा पैसा कमा रही हूँ।
देखें कैसा मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है, अगर ठोकर लगे तो इंसान को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मोहब्बत में ऐसे ही धोखे मिलते हैं, मोहब्बत में पड़ जाते हैं वो, बच्चे बच्चियाँ बाद में ख़राब होते हैं, मतलब छोटी एज में ही, जैसे आपकी एज है, वो समझ लेते हैं कि मोहब्बत बड़ी चीज़ है कोई, और उनको धोखे मिलते हैं, माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर चलते हैं। तो उनको क्या पैगाम देंगे? मैं यही पैगाम दूँगी कि देखें मोहब्बत जो है ना वो रास आने वाली चीज़ है। अगर आपको रास आ गई है तो ठीक है, मुझे रास नहीं है, ठीक है, मुझे धोखा मिला है और मैं ठोकर लग के ही संभली हूँ। लेकिन ठोकर आपको रास आ गई है? मेरे ख्याल में ठोकर आ गई है, रास आ गई, ठोकर रास आई है, मोहब्बत नहीं रास आई, मोहब्बत रास नहीं आई जी। तो मुझे ये बताएं, आप जगह जगह आप केबल लगाती हैं, मतलब इस केबल से लोगों को फ़ायदा दे रही हैं आप, मतलब 3-4 लाख रुपया खुद भी कमा रही हैं, और वो लड़का आप कितने कमा रहा होगा, या फिर उसकी केबल बहुत डाउन होगी? बहुत डाउन होगी, हमारे इलाके में तो उसकी केबल ही नहीं चलती, हमारे साथ वाले इलाके में भी उसकी केबल नहीं है। तो साथ कहता है आप कुछ कि यार मेरी तुम्हारी वजह से केबल डाउन होगी? मुझे इसने एक दफ़ा कॉल करके कहा कि ऐसे ऐसे हम लोग कर लेते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है इस इलाके में तुम अपनी केबल रखो, इस इलाके में मेरी लगवा दो। मैं कहा ना भाई, मैं अब अपनी केबल ही चलाऊंगी। आपने कहा अब हर जगह मेरी होगी। हाँ, जब उसके पास पैसा है, उसके पास गुरूर आ गया, तब इसके पास मोहब्बत कहाँ गई? तो अब तो पैसा मेरे ख्याल में उसका जा रहा है, जा रहा है, तो जा रहा है, नहीं जा चुका है। लेकिन प्यार आप भी तो करती हैं उससे, तो आप अभी भी करती हैं? अभी थोड़ा अब नहीं है, नफरत है, अब नफरत है, और ये जंग है, जंग है। हाँ, पहले बहुत प्यार किया लेकिन उसने मेरे प्यार की कदर नहीं पाई, जब उसने मेरे प्यार की कदर नहीं पाई तो मैं क्यों पाऊँ? तो अब आपको आगे भी तो किसी से शादी करनी है आपने ज़िंदगी में, लेकिन उससे नहीं करनी, किसी से भी नहीं अब करनी, अब ऐसे ही अपना बिजनेस चलाना है और ज़िंदगी बहुत खुश है मेरी, ज़िंदगी उसकी वजह से अब शादी नहीं करनी, नहीं करनी, मतलब धोखा मोहब्बत की आपको शादी, शादी तो मतलब करना कोई बुरी बात तो नहीं? नहीं भाई, एक से धोखा मिल गया देख लिया, अच्छा और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए। तो ये नाज़रीन देखें कि मोहब्बत में धोखा कैसे, ये जो है केबल लगाने लगी और केबल से, मतलब केबल वाले ने धोखा दिया। तो ऐसे मोहब्बत ठीक होती है कि किसी अनजान पे ही भरोसा कर लेना चाहिए? अनजान से ही मोहब्बत की है और देख लो क्या हो गया। अजनबी से मोहब्बत करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगी मोहब्बत करनी ही नहीं चाहिए, अरेंज मैरिज होनी चाहिए, अरेंज मैरिज होनी चाहिए। माँ बाप की मोहब्बत करके कोई अच्छी शादी करे अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, लेकिन इस तरह किसी पे भी एतबार नहीं हो सकता। लेकिन इस दुनिया में निभाने वाले बहुत कम हैं, इस दुनिया में निभाने वाले बहुत कम हैं। तो नाज़रीन देखें, ठोकर लग के या महीने का 3-4 लाख कमा रही है केबल नेटवर्क से, अपनी अपेक्स केबल इसकी चलती है, और जो है ये जगह जगह जाके केबल लगाती है, अब तो इसने लोग भी रखना शुरू कर दिए हैं। तो अपने इलाके में अपेक्स केबल इसकी अब मशहूर हो चुकी है, सिर्फ क्या मोहब्बत में धोखा लड़के ने दिया और वो केबल वाला था। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि अपनी बच्चे बच्चियों को उनकी खुद हिफाजत करें, अपने बच्चे बच्चों की इज़्ज़त की खुद हिफाजत करें, कहीं भी वो जाएँ तो उनको मतलब इस तरह से रखें कि वो अब उन पर ध्यान दें, फोकस करें अपने बच्चों पर, कहीं वो किसी की प्यार में इधर उधर ना पड़ जाएँ और इसकी वजह से उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब हों। फ़िलहाल मुझे और रहमा को इजाज़त दें इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि हर कोई अपने बच्चों की हिफाजत ज़रूर करेगा। और आपके पास भी कोई स्टोरी है या आप अपना बिज़नेस प्रमोट करवाना चाहते हैं तो हमारी ये नंबर आ रहा है, इस पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिर्फ स्टोरी के अलावा और कोई हमें व्हाट्सएप इस नंबर पे ना करे, दूसरे पे कर सकता है। खुदा हाफिज़।